नेताजी की विरासत बचाने के लिए अखिलेश यादव के साथ पूरा कुनबा एक साथ आ गया था। वहीं मैनपुरी लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव की जीत के साथ ही पूरा परिवार एक हो गया। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का भी सपा में विलय कर दिया है। बता दें कि सैफई में चाचा भतीजा साथ नजर आए, जहां खुद अखिलेश ने चाचा शिवपाल को सपा का झंडा दिया, जिसे स्वीकार करते हुए चाचा शिवपाल ने प्रसपा का सपा में विलय कर दिया। इतना ही नहीं, विलय के ऐलान के साथ ही शिवपाल यादव की गाड़ी का झंडा भी बदल दिया गया है। समर्थकों ने शिवपाल यादव की गाड़ी से प्रसपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा लगा दिया। गौरतलब है कि डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत को शिवपाल यादव ने नेताजी के आदर्शों की जीत बताया। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने जो विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं, उसी के चलते ये बड़ा अंतर संभव हो पाया है। चुनाव में अधिकारियों के दम पर बीजेपी ने जीत का प्रयास किया। जो भी मंत्री आते थे वो कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का प्रयास करते थे, उसी के चलते हमने कहा था कि यहाँ किसी की नहीं चलेगी, आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम काम करेंगे। नेताजी ने और समाजवादी ने जो विकास किया है उसकी जीत है, और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने खुल करके बोल दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे, सरकार के जितने भी मंत्री आते थे, सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। बहरहाल प्रसपा के सपा में विलय और मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत होने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर उत्सव का माहौल है। फिलहाल चाचा भतीजे की जोड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कमाल कर दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।